गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से राम राम। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे, एकदम अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से नुकसान हो गया, मतलब कि बहुत वेट करना पड़ेगा। बता दो। तो हुआ यह है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, जैसे कि मैंने बताया था आप सबको। फिर मोनेटाइज हो जाने के बाद मैंने पिन के लिए अप्लाई किया था। पिन के लिए अप्लाई करने के बाद जो हमारा पिन था वो पिछले महीने आ गया था, बट मतलब ये कहते हैं ना कि एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज मैंने चेक नहीं किया। और मैं 21 दिन का वेट करते 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 पूरा एक महीना चला गया, जिसकी वजह से मैंने ना ही तो मतलब कि वही लापरवाही समझ लूँ, लापरवाही कर दी, एक छोटी सी लापरवाही मैंने ये कर दी कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या मेल आया है क्या नहीं आया है, ना ही मैंने चेक किया। मैं सिर्फ इंतज़ार में थी, 21 दिन का इंतज़ार। कहते ना कि पिन को आने में 21 दिन तो मैक्सिमम लगते ही हैं। तो बट हम लोग दिल्ली में रहते, तो दिल्ली में ही है, तो जल्दी आ गया था हमारा। बट मैंने 21 दिन के चक्कर में ऐसा पूरा महीना निकल गया। और फिर जब ध्यान आया कि अब तक पिन आए क्यों नहीं, क्योंकि एक महीना निकल गया, फिर जब हमने वेट किया, फिर हमने पता किया, पोस्ट ऑफिस गए, तो वहाँ पे जाके पता चला कि जो हमारा पिन है वो आया था पर लेने कोई नहीं गया, तो जिसकी वजह से वो वापस चला गया। तो मतलब कि पिन हमारा पहले ही आ गया था, बट बेवकूफ़ी देखो कि एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा पता करना, और पूरा एक महीना ऐसे ही निकल गया। अब फिर से ट्राई, मतलब कि रिसेंट मतलब कि किया है, मतलब कि दोबारा भेजे उसके लिए क्या है अप्लाई। अब उसके लिए भी वेट करना होगा। तो फिर आपने देखा कि मैंने क्या बेवकूफ़ी की। तो मुझे पता भी नहीं चलता, अगर मैं किसी से पूछती नहीं, तो जिनसे मैंने पूछा था वो थे सोनू भैया, मतलब कि वो भी, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मतलब कि काफ़ी, मतलब कि हाँ, अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, उनको काफ़ी नॉलेज भी है यूट्यूब के बारे में। तो मतलब कि वो मुझे रंजीत भाई की हेल्प की वजह से वो मुझे मिले थे। रंजीत भाई ने मुझे उनका कॉन्टैक्ट दिया था, उन्हें बताया था मेरे बारे में। जो रंजीत भैया हैं वो भी एक यूट्यूबर है, और सोनू भैया भी एक यूट्यूबर है। तो रंजीत भैया ने मेरी बात की थी सोनू भैया से, तो सोनू भैया ने मुझे मैसेज किया था, मुझे मतलब कि उन्होंने मेरा चैनल देखा था, बताया था। फिर उनको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है यूट्यूब की, तो उन्होंने मेरी हेल्प की है। मतलब कि आपको बता दूँ तो कि जो ये दो इंसान हैं, इन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की है यूट्यूब में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। मैं इन लोगों को भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं भूल सकती मैं। तो इन लोगों की वजह से ही मैं अभी यहीं तक यहाँ पे हूँ। सो इतना नॉलेज है नहीं, मतलब कि अभी हल्का फुल्का आया, बस हल्का फुल्का आया है, वैसे बिल्कुल भी नहीं आया। तो वही फिर मम्मी ने कहा कि एक बार सोनू भाई से पूछ ले, तो मैंने सोनू भैया को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने चेक वेक किया था, तो उन्होंने बताया कि हमारा पिन जो गूगल एडसेंड का जो पिन है लेटर, वो हमारा आ चुका है, पहले ही आ चुका है। तो पर इसमें गलती क्या थी कि पता ही नहीं क्या, फिर उनके जब उन्होंने कहा तब जाके पता किया, तो तब जा चुका था, भेज दिया था,
वापस भेज दिया था उन्होंने, क्योंकि कोई लेने ही नहीं गया। हमें पता नहीं चला क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए वो वापस चला गया। और हाँ, नॉलेज भी इतना नहीं था, ना ही इतना ध्यान दिया, जिसकी वजह से गूगल एडसेंस का पिन वापस चला गया। अब दोबारा रीसेंट पिन का अप्लाई किया है, अब उसके लिए भी 10-15 दिन वेट करना होगा। और 10-15 दिन बाद हम लोग गांव जाने वाले, देखते हैं। तो गाइस, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो गलती मैंने की है वो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर जो भी अपने YouTube चैनल इस वक्त बना रहा है और आगे जाके वो मतलब कि आगे जाके जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आएगी, सो प्लीज़, मतलब कि इसमें 3 अटैम्प्ट होते हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो मेरा ऐसे ही चला गया, दूसरा अटैम्प्ट किया है मैंने, तो तीसरे अटैम्प्ट के बाद भैया ने बताया था कि अगर तीसरे अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ तो फिर चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा और ना ही कभी पैसे आएंगे। तो ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है, तो जिसके लिए मुझे 10-15 दिन वेट करना होगा। सच में कह रही हूँ, 1 महीना मेरा ऐसे ही चला गया सच्ची में। अंदर से बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि अंदर से अफसोस है कुछ की इतनी मेहनत करने के बाद भी, पर गलती तो मेरी है, मैं क्या ही कहूँ। चलो वेट करते हैं, अब ये दूसरा अटैम्प्ट जो किया है, अब ये दूसरी बार तो बिल्कुल ही ध्यान दूंगी, एकदम से ध्यान दूंगी, हर एक सेकंड का ध्यान दूंगी मैं हर रोज, जब तक आता नहीं है। और तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की वो लोग आप बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बहुत ही केयरफुल रहेगा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वापस भी चला जाता है जैसा कि मेरा चला गया था। और तीसरी बात, सोनू भैया आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। वैसे मैसेज में तो मैंने आपको कह दिया था, पर मतलब कि मिलके तो कह नहीं सकती अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप दूर हैं, बट अभी वीडियो के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, आपने हेल्प की और इतनी मदद की, थैंक यू सो मच दिल से। और मेरे जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं और उनको भी थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब कि बहुत बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी। और बस ये कहना चाहूँगी कि मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि गलती करने के बाद मैंने जो मम्मी के मुँह से जो गालियाँ खाई हैं ना, पूरी दोपहर में बता नहीं सकती, ताने मार रही हूँ मुझे अभी बना बना के, है ना मम्मी, हाँ ताने मार रही हूँ बना बना के। तो अब मैं ये वीडियो को बस अपनी मम्मी कह रही कि वीडियो बना, अपनी गलती बता, लोगों को भी पता चले कैसा काम किया है तूने, तो इसलिए वीडियो बनाई है मैंने। तो बस अपनी गलती बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो बस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, और जो गलती मैंने की है वो कोई भी ना करे और बहुत ही ध्यान दे। वैसे मुझे दिमाग लगाना चाहिए था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है तो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, बट मैं एकदम ढीली ढाली सी बेफिक्र होके, देखते अभी दूसरा अटैम्प्ट किया है, होप जो इस सेकेंड अटैम्प्ट किया है उसमें हो जाए और आ जाए, हो जाएगा। सो ओके गाइस, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।